फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टॉप स्टेट के बारे में बात करेंगे जिनका कट ऑफ 600 से काफी ज्यादा गया है और वहां पर आने वाले टाइम में किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या क्या चांसेस आपके हो सकते हैं, ये हम बात करेंगे। क्योंकि मोस्टली दोस्तों इन स्टेट को छोड़कर और सभी का जो कट ऑफ है वो 600 से काफी नीचे है, तो यहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपने स्टेट से भी सीटें मिल जाएंगी। लेकिन जो स्टेट जिनका कट ऑफ काफी हाई है उनको ऑल इंडिया कोटा से ट्राई करना ही होगा, क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से ट्राई नहीं करेंगे तो आपकी स्टेट में आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टेट के बारे में जिसमें हमारा स्टेट राजस्थान रहेगा, यूपी रहेगा, बिहार रहेगा और दिल्ली रहेगा, इसके अलावा केरला भी है। तो ये 4-5 स्टेट है जिनका कट ऑफ काफी हाई गया है इस ईयर 2022 में। वन बाई वन हम बात करेंगे स्टेट वाइज। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी का कट ऑफ अभी कल रिजल्ट आया राउंड वन का, 606 के करीब गया हुआ है। तो अभी भी क्योंकि यूपी के राउंड टू में आपको ज्यादा सीटें देखने को मिलेंगी नहीं और यूपी के राउंड टू की मेरिट ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू राउंड वन, उसका कारण यह है कि बहुत सारे दिल्ली के बच्चे या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अदर स्टेट के होते हैं उनका डोमेसाइल यहाँ पे होता है, वो राउंड टू में अप्लाई करना शुरू करते हैं या फिर मॉपअप में अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो राउंड टू की भी मेरिट हाई चली जाती है और मॉपअप की भी कभी कभी हाई चली जाती है। तो इसकी वजह से राउंड टू का कट ऑफ लास्ट ईयर आपने देखा होगा राउंड टू का कट ऑफ राउंड वन से ज़्यादा हो गया। नॉर्मली राउंड टू का कट ऑफ राउंड वन से कम होता है क्योंकि एक्स्ट्रा बच्चे आ जाते हैं, मेरिट को बढ़ा देते हैं। तो यूपी में भी अगर आप देखेंगे तो 5-6 नंबर का गैप अभी हो सकता है फाइनली लास्ट तक, ठीक है, ये हो सकता है अभी। लेकिन राउंड टू में अभी ज्यादा सीटें आने की संभावना कम लग रही है, लेकिन फाइनली आप 5-6 नंबर का अभी गैप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा राजस्थान, राजस्थान का सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है। राजस्थान में 400 से ऊपर सीटें अभी भी गवर्नमेंट की खाली हैं, मैनेजमेंट कोटा की भी सीटें काफ़ी खाली हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो अभी भी राजस्थान का कट ऑफ 626 के करीब गया हुआ है, लेकिन इसमें भी अभी 10 से 15 मार्क्स का गैप आ सकता है, ठीक है, 600 से 610 के बीच में लाइक कर सकता है राउंड टू का, क्योंकि राउंड टू बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है और राउंड टू के बाद आपको मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि राउंड टू के सीटों को आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं और ऑल इंडिया कोटा में भी आप नहीं आ सकते हैं, तो सोच समझ के ही सीटें लीजिएगा। 10 से 15 मार्क्स का गैप अभी राजस्थान में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार में 626 के करीब, 625 के करीब गया हुआ इसका भी कट ऑफ, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि 630 के करीब जाएगा जनरल का। तो जनरल का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कंपनसेशन रूल चलता है, दो कॉलेजेस की सीटें अलॉट ही नहीं होती जनरल की, ठीक है। तो फाइनली जनरल का कट ऑफ सबसे हाई हो सकता है और लास्ट तक ये मान के चलिए कि काफ़ी बच्चे इसमें से ऑल इंडिया कोटा में प्रेफर करते हैं, तो 10 से 15 मार्क्स का गैप अभी भी आ सकता है फाइनल राउंड तक, मैं बोल रहा हूँ फाइनल राउंड तक। लेकिन प्रोवाइडेड है कि इस बार बच्चों की अप्रोच क्या होती है, वो ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं या फिर स्टेट कोटा में जाते हैं, क्योंकि राउंड टू के बाद आपको चांसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो रही बिहार की बात। अब इसके बाद दिल्ली की बात, दिल्ली के बच्चे नॉर्मली जिनका नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, बीएसए और एनडीएमसी बच्चे प्रेफर करते हैं, उसमें भी राउंड टू के बाद आपको सीटें कम मिलती हैं। इस बार भी राउंड टू में बच्चों ने सेलेक्टिव चॉइसेस फिलअप की हुई है, जिनको डीयू या आईपी कोटा में मिला नहीं है उन्होंने की हुई है, और साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एम्बिग्यूटी रखते हैं, मीन्स जिनको डीयू कोटा में भी मिला हुआ है और बीएससी एनडीएमसी में मिला हुआ है। तो अभी राउंड टू में तो आपको सीटें कुछ दिख सकती हैं, लेकिन उसके बाद सीटें आपको कम दिखेंगी क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फिर राउंड टू के बाद स्टिक हो जाते हैं, 1-2 सीटें इस तरह की आपको दिख सकती हैं फाइनल काउंसलिंग तक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप दिल्ली के हैं और काफ़ी रैंक मेरिट में आप काफ़ी नीचे आते हैं, तो बेटर यही कि अदर स्टेट के कॉलेजेस लाइक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बहुत सारे बच्चे यही प्रेफर करते हैं। लास्ट ईयर मेरे कंसल्टेशन में भी दिल्ली के काफ़ी बच्चे थे, तो बेसिकली उनका टारगेट नियर बाई लोकेशन में होता है, ठीक है। तो आप अपनी च्वाइसेस रख सकते हैं, यूपी रखते हैं बच्चे,
खासकर राउंड टू में कई पिछली बार कई सारे बच्चे राउंड टू में यूपी में रजिस्ट्रेशन किए थे, फिर मॉपअप में भी कई बच्चे दिल्ली के आए थे मेरे कंसल्टेशन से। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर स्कोर कम है तो आप नीचे आ जाओ, ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल सकता है राउंड टू के बाद। राउंड टू में तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे DU IP कोटा में वो यहाँ पे स्विचिंग करेंगे, ठीक है, ये होगा, लेकिन उसके बाद आपके चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा केरला के बच्चों का भी कट ऑफ काफ़ी आई गया, तो केरला के बच्चे साउथ के कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। अगर आप चाहते हैं साउथ में आप एम्स मदुरई या फिर अदर एम्स, एम्स मंगलागिरी अगर आप ले सकते हैं, पा सकते हैं, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि कट ऑफ आपका लो गया है और मोस्टली बच्चे इसमें ड्रॉप करना प्रेफर करते हैं या फिर साउथ रीजन के ही कॉलेजेस को प्रेफर करना शुरू करते हैं। तो ज़्यादा आपका स्टेट कोटा का जहाँ तक कट ऑफ है वो आपका ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि ऑल इंडिया कोटा से आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये 3-4-5 स्टेट हैं जिसमें अभी भी प्रॉब्लम है, मीन्स चांसेस थोड़े कम बनते हैं, खासकर यूपी में बहुत कम सीटें हैं, बहुत कम चांसेस, तो इसमें राउंड वन में मैक्सिमम सिलेक्शन हो जाता है, फिर राउंड वन के बाद अपग्रेड राउंड टू में करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का रूल, काउंसलिंग का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया और आपका केरला हो गया, इन सब स्टेट के बच्चे ऑल इंडिया कोटा से आप ट्राई कर सकते हैं बेस्ट कॉलेजेस। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में जाएंगे, उसके बाद स्टेट मॉपअप में जाएंगे, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि राउंड टू के बाद मॉपअप में आपको सीटें मिलेंगी मिलेंगी। हो सकता है राउंड टू में, क्योंकि इस बार रूल आया है, तो हो सकता है राउंड टू में स्टेट कोटा में सारी सीटें फिलअप हो जाए, मॉपअप में आपको मिले ही ना, खासकर राजस्थान। राजस्थान के केस में क्या है कि मॉपअप में मैक्सिमम बच्चे आ जाते हैं, मीन्स राउंड टू में मैक्सिमम बच्चे आ जाते हैं, और ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो आप सेम डे आप रिपोर्ट करते हैं, सेम डे आपको सीट मिलती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो जब भी चॉइसेस लीजिएगा कहीं पर भी, स्टेट में लेना है तो, ऑल इंडिया कोटा में लेना है तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि राउंड टू इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल इंडिया कोटा एज वेल एज स्टेट कोटा, ये ज़्यादा जरूरी है। दैट्स ऑल।